हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं येलो वाला रसगुल्ला रेसिपी। तो चलिए रसगुल्ला रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने दूध में छेना तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून विनेगर दिया है। दूध को फटा के छेना निकालेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे दूध फट चुका है तो छेना भी यहाँ पे निकल गया है। थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, उसको छान के छेना बाहर निकालेंगे कॉटन के कपड़े के सहारे। सो इस तरह से निकाल लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है रसगुल्ला बनाना, घर बैठे बहुत ही ईजी है प्रोसेस, चटपट बन जाता है दोस्तों लगभग 15-20 मिनट के अंदर में। और आप अपने घर आए हुए गेस्ट को बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल रसगुल्ला घर में बना के खिला सकते हो। तो इसको अच्छी तरह से हमें यहाँ पे गूंदना है दोस्तों, मस्त से इसको पूरा मिला लेना है इस तरह सा कि इसमें बिल्कुल भी छेने का दाना हाथ में ना लगे। तो बढ़िया से हमने यहाँ पे मिला लिए हैं। तो हमने दूसरा कोई भी सामग्री इसमें हमने दोस्तों ऐड नहीं किया है, ऑनली छेना है ये। तो इसका छोटा छोटा लड्डू तैयार कर लेंगे अपना रसगुल्ला, जितना ज़्यादा साइज आपको चाहिए उतना बड़ा बना लें। तो हम यहाँ पे इतना भी छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का बना रहे हैं दोस्तों। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल समरिन किचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हमारे सारे वीडियो देखने के लिए। तो हमने सारे गोले बना लिए। सबसे पहले हम इसे पानी में थोड़ा सा बॉयल करेंगे दोस्तों। पानी में लगभग 5 मिनट हम बॉयल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कढ़ाई ले लिए हैं, पान ले लिए। इसमें हम यहाँ पे चाचली तैयार करेंगे। 1 कप चीनी और 1 पानी दे दिए हैं, 1 कप पानी, उसको अच्छी तरह सा। तो इसमें हमने कलर डाल दिया है येलो कलर का, हम रसगुल्ला बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रसगुल्ला जो है 5 मिनट तक यहाँ पे पानी में पक चुका है। अब यहाँ पे रस में डाल के पकाएंगे दोस्तों। पानी में डाल के पकाने से क्या दोस्तों, आपका रसगुल्ला जो है साइज़ बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा देर तक का। तो यहाँ पे बहुत देर तक हमने पका लिए हैं, लगभग 15-20 मिनट। तो हमारा रसगुल्ला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना ही नरम, आपको काट के दिखाते हैं दोस्तों, बिल्कुल नरम रसगुल्ला होटल के जैसा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।